हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसी तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की रीडिंग होने वाली है गाइस कि अगर जातक के हथेली में माइंड लाइन टूटी है या माइंड लाइन में गैप आ गया है, या जैसे आप चित्र में देख रहे हैं गाइस कि आपकी मस्तिष्क रेखा जो है टूटी हुई है या कोई लाइन उसको कट कर रही है, तो ये व्यक्ति को क्या फल देती है गाइस। अगर ऐसी रेखा किसी की भी हथेली में है गाइस, तो उसका जो जीवन है संघर्षों से भरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये माइंड लाइन है वो आपके मानसिक स्थिति को दर्शाता है, आपके मनोबल को दर्शाता है, आपके जो मानसिक स्थितियाँ हैं उनको बहुत ही प्रबल करता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क रेखा में टूटन है या फिर कोई रेखा काट रही है, तो यानी आपके मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम आएगी, यानी आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, आपका जो सोचने समझने की शक्ति है, जो निर्णय लेने की शक्ति है, उसमें आपको थोड़ी सी कमजोरी आएगी, तकलीफ आएगा। यानी आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं गाइस, यानी जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेंगे, जो भी आप कार्य करने जाएंगे, जॉब कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। क्योंकि ये रेखाएं जो हैं अगर सीधी और सरल स्पष्ट रहती हैं तो इसमें केवल सद्गुण आता है, लेकिन अगर ये टूटी या कटी हुई हैं तो उसमें अवगुण आ जाते हैं आपके सोचने समझने की शक्ति में, आपके मानसिक विकास की प्रक्रिया में, यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, नो डाउट, आप बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत से कोई भी कार्य करते हैं, सक्सेस होने की आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट कूट कर भावना रहती है कि मैं बहुत ही आगे जाऊं, विकास करूं, बहुत उन्नति करूं, लेकिन ये रेखाएं जो हैं आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, बल्कि आपको चिंता, टेंशन या अवसाद भी दे देती हैं, यानी निराशा भी आपको दे देती हैं गाइस, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। और आपका अपने ऊपर से तो विश्वास, कॉन्फिडेंस कम होता ही होता है, साथ ही आपका ईश्वर पर से, गॉड पर से, डिवाइन पर से भी भरोसा कम हो जाता है, क्योंकि आप बहुत संघर्ष करते हैं।